जैसे जैसे रात ढल रही है ठंड बढ़ती ही जा रही है। मेरे पीछे ये लोग मजबूर हैं 7 डिग्री की कंपकपाती ठंड में भी सड़कों पर सोने के लिए। ऐसे नेकाम इंसान अपने घर में रजाइयों और हीटर की मदद से ठंड से बच जाते। जब कभी तुम सामने पीड़ित किसी को देखते हो या किसी असहाय दुर्बल के दुखों को जानते हो, तब कभी आवाज मन से न्याय की उठती ही होगी, दीनहीनों के लिए करुणा कभी जगती ही होगी। पर कभी बढ़ने की आगे हिम्मत जब टूट गई होगी, मैं अकेला क्या कर लूंगा ऐसी सोच रोकती होगी, तब तुम्हें मैं साहस का एक मूल मंत्र बतलाता हूं। ये वीर कौम कैसे जन्मी ये कथा तुम्हें सुनाता हूं। जुल्म हुआ हो चाहे जितना, आदर्शों पर रहे अटल, संत से कोमल हैं वो और वीर भी बेहद प्रबल। खौफ बढ़ा था देश में जब दुश्मन के अत्याचारों का, जब शक्तिहीन रोना रोते थे अपने अपने प्राणों का, तब हर घर से एक वीर पुत्र लड़ने को आगे आया, न्याय का दीपक बना और सरदार कहलाया। विपदाओं को सेवा अवसर में इन लोगों ने दिया बदल, संत से कोमल हैं वो और वीर भी बेहद प्रबल। गिनती जिनके लिए युद्ध में मायने ही नहीं रखी कभी, आगे कितने लाखों की सेना ही क्यों ना खड़ी रही, लेकिन उस सरदार के पैर डर से फिर भी मुड़े नहीं। राष्ट्र सुरक्षा में जिन्होंने परवाह जान की करी नहीं, अन्याय से लड़ने की समाज में इन लोगों ने करी पहल, संत से कोमल हैं वो और वीर भी बेहद प्रबल। संत से कोमल हैं वो और वीर भी बेहद प्रबल। मैनकाइंड फार्मा, सिखों के सिखाए कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ, दिल में कोमलता, रफ्तार में प्रबलता और जुबान पर भारत लिए अब और भी तेजी से बढ़ रहा है। हम सल्यूट करते हैं हर उस सिख को जिन्होंने भेदभाव मिटाकर हमेशा समाज को जोड़ने की बात की। मैनकाइंड फार्मा की तरफ से आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं।